हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनुराय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कमिटी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। लैंग्वेज मंत्रा के आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उस कड़ी को जो एक विकारी शब्द को और अविकारी शब्द को बांध कर रखता है। यानी कि आज का टॉपिक किस पर डिपेंड करेगा, आज का टॉपिक होगा हमारा कारक। इसे आप संस्कृत में विभक्ति के नाम से जानते हैं और दूसरी बात इसे हिंदी भाषा में आप कारक रचना कहते हैं और कभी कभी हम इसे कारक विभक्ति के भी नाम से पुकारते हैं। इंग्लिश में इसे हम केस कहते हैं या इन्फ्लेक्शन के नाम से पुकारा जाता है। तो आखिर ये कारक रचना क्या होती है, तो इससे पहले थोड़ा सा रिपीटेशन करते कि हमने अब तक क्या जाना। सबसे पहली बात, किसी भी भाषा के मौखिक उच्चारण में जो सुनाई देता है उसे ध्वनि कही जाती है। ध्वनि को जब हम आड़े तिरछे खड़े और वक्र आकार देते हैं तो एक सांकेतिक चिन्ह जो बनता है उसे वर्ण कहा जाता है। इसी वर्ण के हिस्से हो जाते हैं, एक बनता है हमारा स्वर, दूसरा बनता है हमारे लिए व्यंजन, ठीक है, और तीसरा हो जाता है स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी जिसे कहा जाता है अयोगवाह, ठीक है। इन्हीं के संयोजन से जब आप संयुक्ताक्षर का निर्माण करते हैं तब अर्थ अगर निकलता है तो उसे शब्द कहा जाता है। ये शब्द जो रचना के आधार पर तीन प्रकार के पढ़े आपने, इतिहास के आधार पर आपने पांच प्रकार का पढ़ा, ठीक है, अर्थ के आधार पर आपने दो प्रकार के पढ़े और आपने चौथा आधार पढ़ा प्रयोग और रूपांतर के आधार पर। इसी प्रयोग के आधार पर जब ये रूपांतरित हो जाते हैं तब कहलाने लगते हैं शब्द पद, ठीक है। इसी शब्द पद में आपने चार प्रकार के विकारी शब्द पद को जाना और चार प्रकार के आपने अविकारी शब्द पद को आगे पढ़ना है, ठीक है। यानी कि अभी आपका इनडिक्लिनेबल वर्ड्स है जो बचा हुआ है, लेकिन विकारी शब्द में क्या जाना कि संज्ञा यदि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम, बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उनको विकार उत्पन्न कराने का पहला कारण होता है वचन। दूसरा, जब संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम है, संख्या बताई वचन ने, तो विशेषता बताने का काम करता है विशेषण, ठीक है। उनके द्वारा की जाती है उसे हम क्रिया के नाम से पुकारते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। पहला कारक था हमारे लिए वचन, दूसरा कारक है हमारे लिए उसकी पहचान बताने वाला पक्ष लिंग, और आज जो पढ़ने वाले हैं वो तीसरा है कारक रचनाएं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि विकारी शब्द में कारक रचनाओं का क्या प्रभाव है, तो कारक रचना क्या होती है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित होता है उसे कही जाती है कारक, और जिस चिन्ह के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है उन चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। संस्कृत के अनुसार हम इसे विभक्ति के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी भी संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के बगल में यदि में, को, पर, का, के लिए ऐसे शब्द जो जुड़े होते हैं तब उसे कारक कहा जाता है। तो आज ये कारक के संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे, क्योंकि कारक रचना संबंधी अशुद्धियां भी वाक्य अशुद्धि के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, चार कारक विभक्तियों को लेकर हमेशा कंफ्यूजन होते हैं, उन सबको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कारक क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। इस कारक का एक और नाम है, इसे परसर्ग भी कहा जाता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के बाद में जुड़ता है इसलिए इसे परसर्ग भी कहा जाता है। जिस चिन्ह के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है उसे कारक विभक्ति कही जाती है, ठीक है। एक साधारण सा सूत्र है जिसे हम जानेंगे कि कारक विभक्ति को कैसे पहचानेंगे। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति के से द्वारा माना, संप्रदान को के लिए अपादान से माना, का के की है संबंध अधिकरण में परमान, रे हो अरे संबोधन मित्र धरहु यह ध्यान। यानी कि कर्ता के साथ में ने, कर्म के साथ में को, करण के साथ में से और के द्वारा, संप्रदान के साथ में को और के लिए, अपादान के साथ में से, का के की सबका संबंध बोधक, में और पर अधिकरण बोधक, रे हो अरे संबोधन कहलाता है। और इस तरह देखा जाए तो कारक रचना में आठ प्रकार की विभक्ति मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात, कर्ता कौन होता है, किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्ति विशेष को कर्ता कहा जाता है। इस कर्ता का एक नाम होता है जो संज्ञा के अनुसार नाम धारण करता है,
बदले में सर्वनामिक शब्द को इस्तेमाल करता है। इस कर्ता का नाम है, इसकी संख्या वचन है, इसकी विशेषता है और इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक कहते हैं। इस कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसलिए से ऑब्जेक्टिव केस के नाम से कर्म संबंधित कारक माना जाता है। तीसरा, इस कर्ता ने जिस कर्म को करने के लिए किसी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किसी साधन और जरिए के द्वारा कार्य किया होगा तो उसे हम करण कारक मानते हैं और इसके लिए हम इसे से और के द्वारा से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो जब कर्ता ने किसी कर्म को करने के लिए किसी साधन या माध्यम का इस्तेमाल किया, स्वाभाविक है वह कार्य किसी को डेलीगेट करेगा, किसी को वो कार्य समर्पित करेगा, समर्पण करेगा, तो उसे संप्रदान कारक यानी कि डेटिव केस के नाम से पुकारा जाता है और इसके लिए हम को और के लिए, इसके अलावा हम वास्ते, इसके अलावा खातिर जैसे शब्द का प्रयोग जो है वो करते हैं। कर्ता ने जिस कर्म को करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया था, जो उसने किसी को समर्पित कर दिए थे, अगर डर है, भय है, तुलना है, कोई चीज अलग हो रही है, पृथककरण हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है या सेपरेशन का फील दे रहा है, तो वहां एबिलिटिव केस यानी कि अपादान कारक होता है। ठीक है, जब कर्ता और क्रिया के मध्य संबंध को बताया जाता है तो जेनेटिव केस यानी कि हमारे लिए संबंध सूचक का, के, की का प्रयोग होता है, कहीं कहीं रा रे री का भी प्रयोग किया जाता है। इस कर्ता ने किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया, जो उसने किसी को समर्पित किए, जो कर्ता से अलग हो गई थी, जिससे कर्ता का संबंध था, किस स्थान पर, किस समय पर उस कार्य को संपादित किया गया है, तो लोकेटिव केस के नाम से हम इसे जानते हैं, जहां हम दो प्रकार की कारक विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं, मे और पर। मे का प्रयोग हम इंटरनल एफर्ट के लिए और पर का पावर हम प्रयोग हम एक्सटर्नल एफर्ट के लिए करते हैं। चूंकि कर्ता का नाम है, उस कर्ता को बार बार नाम से संबोधित कर पाना संभव नहीं है, इसे संबोधन के तौर पर हम कभी हे, ओ, अरे या फिर हम सुनो जैसे शब्द का प्रयोग उसके लिए करते हैं। ठीक है, और इस आधार पर देखा जाए तो आठ प्रकार की कारक विभक्ति हो जाती है। तो हिंदी भाषा में आठ प्रकार की कारक विभक्ति हो जाती है। चूंकि यह कारक विभक्ति में कर्ता और संबोधन, किसी व्यक्ति का नाम और संबोधन करने वाले शब्द है, तो किशोरीदास वाजपेयी इनकी संख्या दो कम कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू संस्कृत, कर्ता को हम प्रथमा विभक्ति कहते हैं, कर्म को हम द्वितीय विभक्ति कहते हैं, ठीक है, करण को हमारे द्वारा तृतीय कहा जाता है, संप्रदान को हम चतुर्थी विभक्ति कहते हैं, अपादान को पंचमी विभक्ति कहते हैं, संबंध को हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं। ठीक है, संबंध को षष्ठी विभक्ति कहा जाता है, अधिकरण को सप्तमी विभक्ति कहते हैं, लेकिन संबोधन को हम कभी भी अष्टमी विभक्ति नहीं कहते, बल्कि उसे संबोधन ही कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब इन सारी चीजों के बाद में हम देखते हैं कि इसकी विधियां कैसे होती है, हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं। एमसीक्यू समझाऊंगी पर पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, जब हम कारक विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो ध्यान से समझिए कि मैंने क्या बताया कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आकर दूसरे पदों से जब उसके जोड़ होते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर क्या करता है कि संज्ञा और सर्वनाम के ऐसे प्रयोग जहां संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर दूसरे पदों से उसका संबंध जोड़ता है। तो ये कारक क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित होता है उसे हम कारक रचना कहते हैं। ध्यान से रखिएगा जिसकी विधि होती है कि संज्ञा शब्द के साथ में कारक विभक्ति जो है वो दूर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं राम ने मोहन को, तो जब संज्ञा शब्द से कारक विभक्ति दूर लिखी जाएगी तो विश्लिष्ट विभक्ति कहलाएगी प्रयोग में। ठीक है, और जब सर्वनामिक शब्द होता है, जब हमारे लिए सर्वनाम शब्द होता है तो उसे पास रखा जाता है, जैसे कि अगर कहता है हमको, ठीक है, इसी प्रकार कहता है तुमसे,
ठीक है। तो संज्ञा शब्द से जब कारक विभक्ति दूर लिखी जाएगी तो विश्लिष्ट विधि कहलाएगी, और अगर सर्वनामिक शब्द से कारक विभक्ति सटा कर लिखी जाएगी तो संश्लिष्ट विभक्ति कहलाएगी। इसी का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी कारक रचना दिखाई देती है, जब कारक रचना दिखाई देती है तो वहां पर हमारे लिए सप्रत्यय हो जाता है, और जहां कारक रचना नहीं दिखाई देती, जहां कारक रचना नहीं दिखाई देती तो अप्रत्यय कारक हो जाते हैं। यानी कि जैसे राम खाता है, यहां कारक रचना दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर कहता है राम ने रोटी खाई, ठीक है, अब यहां पर कारक रचना दिखाई दे रही है, तो ध्यान से समझिएगा अप्रत्यय का प्रयोग कहां होगा, एक्टिव वॉइस में। अप्रत्यय का प्रयोग होगा एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य में, ठीक है, और सप्रत्यय का प्रयोग कहां होगा, पैसिव वॉइस में यानी कि कर्मवाच्य में, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न को जानने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, इससे संबंधित आपको अगर बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस वीडियो में एक आई बटन होगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो कारक रचना से संबंधित लिंक आपको वहां पर दिखेगा। वहां जब आप जाएंगे तो कारक रचना का एक डिटेल वीडियो मिलेगा, वहां पर से आप इसके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बिना किसी समय के देरी को गवाते हुए शुरू करते हैं हम आज का MCQ सीरीज, ठीक है। अब आता है पहला प्रश्न कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। ये PGT परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। अब आप लोग इतना पुराना क्यों बता रहे हो, तो कभी कभी क्वेश्चन जो बेटा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि हिंदी भाषा में 8 प्रकार की कारक विभक्ति मानी जाती है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। कर्ता को हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, करण को इक्विपमेंटिव या इंस्ट्रूमेंटिव केस कहते हैं, संप्रदान को डेटिव केस कहते हैं, अपादान को एबलेटिव केस कहते हैं, संबंध को पजेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं, अधिकरण को लोकेटिव केस कहा जाता है और संबोधन को वोकेटिव केस के नाम से पुकारा जाता है। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी कहते हैं कि कर्ता चूंकि नाम है और उसका संबोधन जो उसको संबोधित करने वाला पक्ष है, तो कहीं ना कहीं कर्ता के साथ में मैंने अभी बताया कि जब कर्तृवाच्य होता है एक्टिव वॉइस, जब कारक रचना दिखाई नहीं देती तो कर्ता को संबोधित कर रहा है, इसलिए उसको स्किप करते हैं। और जो हमारे लिए संबोधन है, चूंकि उसको संबोधित करने वाला पक्ष होता है, जो कर्ता का ही संबोधन कर रहा है, तो इसको स्किप करते हैं। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 प्रकार की कारक विभक्तियां मानी जाती है, लेकिन हिंदी भाषा में कितनी कारक विभक्ति है। सेकंड कहता है कि कारक के भेद हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन बी आपका 8। ये भी PGET आपके परीक्षा 2000 में पूछा गया था, साथ ही UPTET एग्जाम फर्स्ट पेपर में इसको पूछा गया था 2013 में, है ना। तो कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन तो आते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, क्या वो कर्म कारक है, क्या संबंध कारक है, क्या संप्रदान कारक है, या कर्ता कारक है, ठीक है। ये आपकी 2015 में पूछा गया राजस्व लेखपाल का प्रश्न है। अब आप कहेंगे कि 2-3 वीडियो से आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस को क्यों लेकर आ रहे हैं, कुछ नया क्वेश्चंस बनाइए। तो देखिए, परीक्षा में हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि पूछे गए जो पिछले वर्ष के प्रश्न थे, कभी न कभी किसी न किसी परिस्थिति में रिपीटेशन मोड पर आ जाता है। तो नए प्रश्न तो है ही, परंतु इसमें आपके कुछ परीक्षा से संबंधित प्रश्न को भी मैंने मेंशन किया है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रश्न किस लेवल तक का पूछा जाता है, ठीक है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें क्या है, कर्म कारक है कि संबंध है कि संप्रदान है कि कर्ता है। कर्म क्या होता है, कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का आश्रय या फल, किसी प्रकार के आश्रय, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला किसी कार्य का आश्रय या फल जो होता है वो कर्म कारक होता है, ठीक है। दूसरी बात, संबंध कारक क्या होता है, कर्ता और क्रिया का संबंध होता है, कर्ता कौन होता है, किसी भी कार्य को करने वाला, ठीक है। और संप्रदान क्या होता है,
संप्रदान होता है, संप्रदान यानी कि आपके समर्पण, ठीक है, ठीक है। तो संप्रदान क्या होता है? आपका समर्पण। अब देखने वाली बात है, ठीक है, समर्पण। अब देखने वाली बात है कि आपका कंफ्यूजन कहां होगा। देखिए, जब आप देखते हैं तो हमारे लिए दो प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं, एक तो है कर्म को लेकर और आपका संप्रदान को लेकर, ठीक है। अब आपके प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न ने पूछा है कि राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है, तो कारक विभक्ति मिल रही है को, और ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पहले दे दिया है कर्म कारक। आप क्या करते हैं? आप सीक्वेंस याद करते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सबसे पहले सेकंड नंबर में कर्म को आ जाता है और आप तुरंत ही ऑप्शन नंबर ए पर निशान लगा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि कारक विभक्ति के भ्रम की वजह से आपने उत्तर में नंबर जो है अपना कम करवा लिया। क्या कह रहा है? सेवक को कंबल देता है, तो कंबल की आवश्यकता किसके लिए है? सेवक के लिए। तो कहीं भी अगर समर्पण का भाव है, कहीं भी समर्पण का भाव है, अगर किसी को कोई चीज सम्मान पूर्वक, है ना, अगर किसी को कोई चीज सम्मान पूर्वक समर्पित किया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जहां समर्पण का भाव है, जहां किसी को सम्मान पूर्वक कोई चीज समर्पित की जा रही है, ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए संप्रदान कारक का उल्लेख होता है। तो जब किसी को देने का उल्लेख हो, किसी को कोई चीज देने का उल्लेख हो, वहां पर हमारे लिए आपका क्या होता है? संप्रदान कारक। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राजा किसको कंबल दे रहा है? सेवक को। तो जब कोई समर्पण हो, संप्रदान पूर्वक कोई चीज किसी को देने का उल्लेख होता है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। दूसरी बात, आपको देखने वाली बात है कि कर्म कारक में भी को होता है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे, ठीक है। जैसे अगर कहता है मोहन रोटी खाता है या मोहन ने कविता सुनाई, तो वाक्य किस पर आधारित है? कर्ता पर। अगर कहता है दरवाजे को बंद कर दो, तो कर्म सूचक है, किसको बंद करना है? दरवाजे को, ठीक है। लेकिन संप्रदान कह रहा है बच्चे को दूध पिलाओ, भूखे को भोजन दो, तो दूध की आवश्यकता किसके लिए? बच्चे के लिए। भोजन की आवश्यकता किसके लिए? भूखे के लिए। ऐसी सिचुएशन में समर्पण के भाव में को का प्रयोग होगा, लेकिन दरवाजे को बंद करना, फूलों को गुथना, कुत्ते को भगाना, है ना, शेर को देखना, ये कर्म सूचक की श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। ये UPSSC विधान भवन रक्षक और वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब पूछ रहा है कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन? यानी कि जिसका एक नाम है, है ना, जो अपने बदले में सर्वनामिक शब्द का इस्तेमाल करता है, जो एक वचन या बहुवचन होता है, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसकी विशेषता होती है, या तो स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं। तो कर्ता का मतलब क्या हुआ कि किसी कार्य को करने वाला। इस वाक्य में हमें ढूंढना है कि कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा है। मोहन को जाना है, किसको जाना है? मोहन को जाना है, तो आंसर क्या होगा? मोहन को जाना है। मतलब हम अगर प्रश्न पूछते हैं किसको जाना है, तो पता चलता है कि मोहन को जाना है, ठीक है। तो जाने वाला कौन है? जाएगा कौन? कर्ता मोहन। दूसरी बात, शीला को रोटी खिलाओ। अब यहां पर भी कारक विभक्ति को है, पर रोटी हम किसके लिए लाएंगे? शीला के लिए लाएंगे, ये संप्रदान कारक हो जाएगा। शाम को मत आना, ये समय निर्धारित कर रहा है, कब नहीं आना है, शाम को नहीं आना है, ये अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाएगा। विभाग को पुस्तक दे दो, किसको देनी है पुस्तक? समर्पण है, इसलिए संप्रदान कारक होगा। पर अगर हम पूछेंगे कि किसको जाना है, तो हमको पता चलता है कि मोहन को जाना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। क्या यह कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है? तो सबसे पहली बात, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा कह रहा है। अब यहां पर हमारे जो कपड़ा है, ठीक है, ये हमारा कर्म है, ठीक है। और कर्म की पहचान क्या होती है कि क्रिया से पहले आता है हमारा कर्म, ठीक है। अब देखिए, खरीदना है हमारी क्रिया और कपड़ा है हमारा कर्म, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी।
करता क्यों नहीं होगा? अगर कहता माँ कपड़ा खरीदती है, तब यहाँ पर हमारे लिए आपका कर्ता कारक होता। करण कारक क्यों नहीं है? माँ के द्वारा कपड़ा खरीदा गया कहते तो करण कारक होता, ठीक है। अगर कहता एग्जाम्पल कि बाजार में कपड़े बिकते हैं, तब अधिकरण कारक हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कपड़ा शब्द है या कौन सा कारक है, तो कपड़ा हमारे लिए कर्म कारक है, क्योंकि कर्ता में क्रिया से पहले हमारे लिए कर्म आता है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी कभी क्या होती है, विभक्ति दिखाई देती है और कभी कभी विभक्ति दिखाई नहीं देती। अब देखिएगा, जो कर्तृवाच्य होता है, एक्टिव वॉइस जब होता है, तो वहां कारक रचना दिखाई नहीं देती है, और जो पैसिव वॉइस होती है वहां कारक रचना दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या जाना, ऐसी सिचुएशन में आपने जाना कि जब प्रश्न पूछा गया है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक है, तो प्रश्न निकलता है कि क्या खरीदा, किसको खरीदा, तो खरीदना क्रिया है, कर्म है कपड़ा, ठीक है। तो जब कभी कोई सेंटेंस आता है तो ऐसी सिचुएशन में उस सेंटेंस के अर्थ को समझना जरूरी है। अगर आप उसके अर्थ को समझ जाते हैं तब आंसर भी बहुत इजीली आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित वाक्य में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उस वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ऑप्शन बी कहता है आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। ऑप्शन सी कहता है रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वरचंद विद्यासागर को कूली समझ बैठा। ऑप्शन डी कहता है पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। अब करण कारक क्या होता है? किसी भी कार्य को करने का साधन, किसी भी कार्य को करने का माध्यम, ठीक है, जरिया, स्त्रोत। इसके अलावा यदि हम देखें तो करण कारक के अलग 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 से प्रयोग होते हैं, कि जब हम करण कारक का प्रयोग करते हैं तो करण कारक में साधन, माध्यम, जरिया, स्त्रोत तो है, इसके अलावा किसी भी कार्य करने का रीति, ढंग, कायदा, प्रकार, भांति, विधि, नियम आदि चीजों का भी इसमें बोध देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कि हम कह रहे हैं तो चलना जब हम करते हैं तो किसके माध्यम से चलते हैं? पैरों के माध्यम से, ठीक है। चलता है जीवन किसके माध्यम से? प्राणों के माध्यम से। समुदाय से किसका समाज चलता है? समाज का। देश और काल से इतिहास जो है वो चलता है। तो चलना, यात्रा करने का माध्यम पैर बना, जीवन का माध्यम प्राण बना, समाज का माध्यम समुदाय बना, और इतिहास का माध्यम देश और काल बना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। फिर ये बी सी डी क्यों नहीं है? आकाश से गिरी एक बूंद, तो यहाँ पर अलगाव है तो अपदान कारक होगा। रेल से उतरा मुसाफिर कह रहे हैं तो यहाँ पर भी अपदान कारक होगा। पेड़ से गिरता सेब कह रहा है तो भी अपदान कारक होगा। अब अपदान कारक में और आपके करण कारक में क्या डिफरेंस है? अपदान में भी आपका से का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपदान कारक में भी हम से का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, कहते हैं मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूं, तो माध्यम कौन बना हमारे लिए? साइकिल बना, ठीक है। अगर कहता है मैं जाते वक्त साइकिल से गिर गया, तब वहां अलगाव की स्थिति देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहां पर हमारे लिए अलगाव है, पृथक्करण है, और यहां हमारे लिए माध्यम है। तो अपादान से इसमें क्या होगा? हमारे लिए अलगाव होगा, ठीक है, पर हमारे लिए करण से में कार्य का माध्यम और स्त्रोत होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों कारक में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अपादान से का प्रयोग हम अलगाव, पृथक्करण, आइसोलेशन या हम सेपरेशन के लिए करते हैं, बल्कि साधन का प्रयोग हम इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं जिसके द्वारा कार्य को संपादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार क्या है? क्या यह विशेषण से संबंधित त्रुटि है, क्या यह वचन से संबंधित त्रुटि है, लिंग से संबंधित, या कारक रचना से? यूपीएसआई एग्जाम 16 दिसंबर 2017 का यह प्रश्न है। यहां पर वाक्य अशुद्धि के प्रश्न के माध्यम से आपको प्रश्न पूछा गया है। कभी कभी हम देखते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं, जो आपके इरर सेंटेंस होते हैं, कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो हमको लगता है कि वाक्य में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है,
तो ये ग्रामेटिकल स्टेक में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल, पुरुष संबंधी हमारे लिए अशुद्धियां तो होती ही हैं, साथ ही एक अशुद्धि कारक रचना संबंधी भी होती है। यहां कह रहा है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। यहां पर हमारे लिए किस प्रकार की त्रुटि है? यहां हमारे लिए कारक रचना संबंधी त्रुटि देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें वचन की शुद्धता नहीं है, यहां विशेषण की गलती नहीं है, यहां लिंग की गलती नहीं, यहां पर कारक रचना संबंधी त्रुटि है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए कहता, तब हमारे लिए आपका ये शुद्ध होता। लक्ष्मण के लिए होश लाना, ये हमारे लिए वाक्य अशुद्धि में कारक रचना संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो करण कारक क्या है? किसी भी कार्य को करने का साधन, माध्यम, जरिया, स्रोत है ना, जहां पर किसी कार्य को करने का रीति, ढंग, कायदा, नियम प्रदर्शित किए जाते हैं, वहां करण कारक का प्रयोग होता है। को और के लिए तो है, साथ ही हम यहां पर इसके मारे का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार निमित्त का प्रयोग करते हैं, साधन या माध्यम के लिए, वास्ते का भी प्रयोग करते हैं और खातिर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंह वन में या गुफा में रहते हैं कहता है, तो ये स्थान निर्धारित कर रहा है, ठीक है। कहाँ रहते हैं सिंह? वन के अंदर रहते हैं, गुफा के अंदर रहते हैं। यहाँ अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, आपके अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ए बी डी तीनों में आपके करण कारक का प्रयोग जो है वो किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है? क्या यह संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारण है, या आपका करण कारक है, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, ठीक है, बात करेगा, किसके माध्यम से बात करेगा? टेलीफोन के माध्यम से। तो यहाँ क्या आएगा आपका? करण कारक, ठीक है। तो जब वो बात करेगा तो किस माध्यम का सहारा लेगा? टेलीफोन का। तो मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा कहता है, तो यहाँ पर हमारे लिए करण कारक का इस्तेमाल किया जाएगा। बात है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? UPSSSC विधान भवन रक्षक और वन रक्षक परीक्षा 2016 का प्रश्न है। इसमें कहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म और सर्वनामिक शब्द का संप्रदान कारक क्या होगा? उससे, उनके, उनसे या उन्हें। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वनामिक शब्द में अगर मैं कहता है तो संबंधनिक शब्द में अगर मैं कहता तो कारक रचना जोड़ दी जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे आपको? सर्वनामिक शब्द में मैंने। जब यह सर्वनामिक शब्द जुड़ता है तो इसमें विकार उत्पन्न होता है, तो संबंध बोधक में मैं के साथ रा जुड़ता है तो मेरा बन जाता है। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो सर्वनामिक शब्द कहता है मैं, मैंने कहता है कर्म सूचक में, मुझको कह आपके कर्ता में मैंने, कर्म में मुझको, करण में मुझसे या मेरे द्वारा, संप्रदान में मेरे को या मेरे लिए, अपादान में मुझसे, ठीक है, संबंध में मेरा, अधिकरण में मुझ में या मुझ पर, और संबोधन में इसमें स्वयं मैं का संबोधन देखने को मिलता है। तो अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, यह और वह कहते हैं थर्ड पर्सन, तो उनमें संबंध बोधक में संप्रदान, तो हम उससे कहेंगे, तो उससे कहेंगे तो हमारे लिए उसके द्वारा हो जाएगा, उनके कहेंगे तो संबंध बोधक हो जाएगा, उनसे कहेंगे तो हमारे लिए आपके संबंध बोधक होगा, लेकिन उन्हें कहेंगे तो संप्रदान किन्हें देना है? उन्हें देना है, ठीक है। तो हमारे लिए अन्य पुरुष एकवचन सर्वनामिक शब्द का संप्रदान कारक में उन्हें का प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है? प्रधान कर्म पद के साथ में, क्रिया पद के साथ में, गौण कर्म पद के साथ में, या कर्ता पद के साथ में? तो ध्यान से समझिएगा कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। दो कर्ता वाले वाक्य को जहां पर दो कर्म पाया जाता है वहां द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कि अगर कहता है गुरु शिष्य को गणित पढ़ाता
है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए दो कर्ता है, गुरु है और शिष्य है। गुरु के द्वारा शिष्य को क्या पढ़ाया जा रहा है? गणित। शिष्य के द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है? गणित। इसलिए देखने वाली बात है कि जो हमारे लिए शिष्य है यह हमारा गौण कर्म है और गणित जो है वो हमारा मुख्य कर्म है। तो जब द्विकर्मक वाले वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग होता है तो को जो है वह गौण कर्म पद के साथ में लगता है। दूसरी बात कहने वाली बात है कि जब हम गौण कर्म की बात करते हैं तो सजीव पक्ष जो होता है वहां हम को का प्रयोग करते हैं, जैसे गाय को रोटी दो, ठीक है। तो जो हमारे लिए गाय को रोटी दो कह रहे हैं, या कहा जाता है मैं बच्चे को मेला दिखाता हूं, तो जो सजीव पक्ष होते हैं उसके साथ में कारक विभक्ति को जोड़नी पड़ती है, और कभी कभी होता है कि कारक विभक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने शेर देखा, किसको देखा? शेर को देखा, ठीक है। लेकिन कहता है मैंने जंगल में शेर को देखा, तो कारक विभक्ति दिखाई देती है। और इस आधार पर जब द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य होता है तो कर्म सूचक कारक विभक्ति को है जो गौण कर्म के साथ में लगती है। यह मुख्य कर्म है और शिष्य गौण कर्म है, तो को विभक्ति हमेशा गौण कर्म के साथ लगती है, प्रधान कर्म के साथ में नहीं लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में क्या कारक है? कर्म कारक है कि हमारे लिए करण कारक है कि अधिकरण कारक है कि अपादान कारक है? 2014 छत्तीसगढ़ टीईटी एग्जाम के फर्स्ट पेपर में पूछा था। किसके माध्यम से आदर बढ़ता है? सेवा सत्कार करने के माध्यम से, तो हमारे लिए क्या आएगा आपका? अपादान कारक, ठीक है। अगला, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कर्ता कर्म करण संप्रदान। किस पर सुनी बात? किस पर सुनी बात? यानी कि कानों से सुनी बात, तो सुनने का माध्यम कौन बना? हमारे लिए कान बना, इसलिए यहां पर भी आपके करण कारक आएंगे, ठीक है। एक चीज और क्लियर कर दूं, कर्म में भी लगता है आपके लिए को, ठीक है, संप्रदान में भी लगता है आपके लिए को। तो दोनों का मतलब क्या है? कर्म किसी भी क्रिया का हमारे लिए आश्रय होता है, किसी भी क्रिया का फल होता है, तो हमारे लिए कर्म होता है। यह कर्म प्रधान कर्म के साथ में जुड़ता है और द्वितीय कर्म के साथ में जुड़ता है। द्वितीय कर्म के साथ में जब जुड़ता है तब गौण कर्म के साथ में को का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है। संप्रदान क्या होता है? हमारे लिए समर्पण का भाव होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर कहता है फूलों को गूंथ कर माला बनाओ, फूलों को गुथ कर माला बनाओ, तो माला किसको गुथेंगे हम? फूलों को गुथेंगे। लेकिन कहता है भूखे को भोजन दो, तो हम भोजन किसके लिए लाएंगे? भूखे के लिए। यहां कार्य का आश्रय और फल है तो कर्म होगा, यहां समर्पण का भाव है इसे संप्रदान होगा। अब क्वेश्चन ने क्या कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, तो कौन है सुनने का माध्यम? कान है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा, ठीक है। अगला, करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब राम को फल देना संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। वह राम की पुस्तक है कहता है, तो पुस्तक और राम का संबंध हो जाएगा, तो कारक विभक्ति में संबंध बोधक हो जाएगा। वृक्ष से पत्ता गिरता है कह रहा है, तो अलगाव हो जाएगा। और किसके माध्यम से लिखता है? तो कलम के माध्यम से। अब यहां पर फिर देखिए, करण में भी आता है आपका से, ठीक, और आपके अपादान में भी आता है आपके लिए से, ठीक। करण है कार्य का साधन, कार्य का जरिया और माध्यम, ठीक है। और अपादान में क्या है? डर भय तुलना से अलगाव है और पृथककरण है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, बच्चा पलंग से गिर गया, मैं साइकिल से गिर गया, मेरे हाथ से गिलास छूटा और टूटकर चकनाचूर हो गया कहते हैं, तो अपादान कारक होगा। कलम से लिखता है, किसके माध्यम से लिखता है? कलम के माध्यम से लिखता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वह कलम से लिखता है। अगले क्वेश्चन की ओर, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है? क्या अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण है या कर्म कारक? अपादान अगले साल आएगा कह रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है? समय और स्थान। तो जहां पर समय
या काल का बोधक हो या कभी हमारे लिए स्थान का बोधक हो तो वहां हमारे लिए अधिकरण कारक होता है। संबंध क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्ता और क्रिया का संबंध यहाँ पर नहीं है। कर्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्म यहाँ पर प्रदर्शित दिखाई नहीं देता। अपादान क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगले साल आएगा कह रहा है, तो क्या बता रहा है हमारे लिए? समय और काल। इसलिए वह अगले साल आएगा इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक में हम दो प्रकार की कारक विभक्ति का प्रयोग करते हैं, मे और पर का। मे का प्रयोग हम आंतरिक भाव के लिए कहते हैं, ठीक है, और पर का प्रयोग हम बाह्य प्रभाव के लिए करते हैं। जैसे कि कुएं में जल है, मुझ में कोई दोष नहीं, जल में मग्न, प्रेम में मग्न, शोक में मग्न, ठीक है, निशा में चरने वाला। और आपके बाह्य प्रभाव एक्सटर्नल एफर्ट के लिए डाल पर चिड़िया बैठी है, बच्चा पलंग पर सोता है, ठीक है, देश पर भक्ति, ये हमारे लिए आपके बाह्य प्रभाव को बताएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 16, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे कि अपादान कारक, करण कारक या आपके संप्रदान कारक? तो जिस शब्द से क्रिया का संबंध होता है इसमें हमारे लिए संबंध बोधक का प्रयोग होगा, जैसे कि का, के और की। इसी प्रकार हम रा, रे और री का प्रयोग करते हैं। तो मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, इसका, इसके, इसकी, ठीक है ना। तो इसके प्रयोग से संबंध का बोध होता है, जैसे राधा की किताब, मोहन का घर, मेरा विद्यालय, हमारा भारतवर्ष, गंगा का जल, रथ की यात्रा, राष्ट्र के पिता, पशुओं के पति कहता है। तो संबंध बोधक का प्रयोग वहां पर देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान या अपादान? ये भी आपके 2011 का प्रश्न है। जहां किसी अलगाव और पृथककरण का बोध होता है तो एब्लेटिव केस के नाम से पुकारा जाता है, जहां अपादान कारक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जहां हम कह रहे हैं बिल्ली किस से कूदी, छत से कूदी, अब यहां पर आपके कंफ्यूजन से को लेकर है। आपको लग रहा होगा कि हमारे लिए से का प्रयोग तो करण में भी था। अगर कहता छत से बिल्ली चलकर दूसरे छत पर चली गई, तो बिल्ली के चलने का माध्यम क्या हुआ? छत से चलकर जाना। लेकिन कह रहा छत से कूद पड़ी, तो छत से बिल्ली क्या हो गई? अलग हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जहां अलगाव है, पृथककरण है, आइसोलेशन है, सेपरेशन है, वहां हमारे लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर आते हैं। हरी मोहन को रुपये देता है, हरी मोहन को रुपये देता है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? 2022 लेखपाल मेंस की एग्जाम में आया था। क्या कर्म कारक है, अपादान, संपादान या अधिकरण? किसको देता है रुपये? मोहन को। तो जहां समर्पण का भाव है, जहां किसी कार्य के समर्पण का भाव है, सम्मान पूर्वक अगर कोई कार्य किसी को देने के उल्लेख का बोध कराएगा तो डेटिव केस के नाम से पुकारा जाएगा। तो किसको पैसे दे रहा है? मोहन को। तो मोहन के रुपये की आवश्यकता किसके लिए है? मोहन के लिए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है या दूर जाता है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयोग होता है? क्या संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या करण कारक? ये 2021 में पूछा गया टीजीटी का प्रश्न है। तो भी मैंने बताया कि जब कोई चीज कर्ता से अलग हो जाती है, डर है, भय है, तुलना है, ठीक है, जब वो कर्ता से अलग हो जा रही है, उससे दूर हो जाता है, तो वहां एबिलिटिव केस यानी कि हमारे लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कार्य के देने का उल्लेख हो तो संप्रदान है, कर्ता क्रिया का संबंध हो तो संबंध कारक है, और कार्य करने का माध्यम हो तो करण कारक। लेकिन जब कोई चीज अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, तो अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, अधिकरण या संप्रदान, ठीक है। ये भी आपके 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 3 मिनट में आ रहा हूं कह रहा है, क्या बता रहा है हमारे लिए? समय, समय बता रहा है। मतलब कि हमारे लिए जब वो समय बताता है, ठीक है, इसी प्रकार जब वो हमारे लिए स्थान निर्धारित करता है, लोकेशन और टाइम डिसाइड करता है, कितने मिनट में आ रहा है? 3 मिनट में। तो वहां पर हमारे लिए अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? क्या अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण है या संप्रदान है? ये भी 2016 का प्रश्न है। कोई चीज अलग हो रही है, वहां एब्लेशन का फील देता है, तो अपादान कारक का इस्तेमाल किया जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। अब संबंध कारक क्या होता है? कर्ता और क्रिया के बीच का संबंध बताता है, उस वाक्य को पहचानना है। राम खाना खाता है, अब यहां पर कौन खाना खाता है? तो राम खाना खाता है, इसलिए कर्ता कारक हो जाएगा। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो राधा के कुत्ते का संबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। राम ने रावण को मारा, तो रावण के मारने का माध्यम कौन हुए? राम हुए, इसलिए कर्ण कारक हो जाएगा। माँ अपने बच्चे को मारती है, तो किसके द्वारा मारा जा रहा है? माँ के द्वारा। किसको मारा जा रहा है? बच्चे को, तो कर्म सूचक हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित वाक्य में संबंध कारक होता राधा का कुत्ता कह रहा है ना, तो राधा और कुत्ते का संबंध बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण और संबोधन। तो यहां पर जब हम कंपैरिजन करते हैं, कोई तुलना करते हैं, जहां हमारे द्वारा कोई तुलना की जाती है, तुलना करने से हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं? अलग कर दे रहे हैं। तो हम दो व्यक्ति के मध्य तुलना कर रहे, उससे अच्छे तो आप हैं, तो हमने एक को छोड़ दिया, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? कर्म है, करण है, संबंध है या अपादान है? अब देखिए, घर से दूर कह रहा है, तो जब दूरी है, अलगाव है, पृथककरण है, तुलना है, तो वहां पर हमारे लिए अपादान कारक के प्रयोग किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द में आधार पर बताइए कि कौन सा कारक है। मुझसे अलग है ना, मुझसे अलग रहता है कहता है, यहां पर भी हमारे लिए संप्रदान, अपादान, करण और अधिकरण कह रहा है, तो यहां पर हमारे लिए अपादान कारक होगा। क्यों? किससे अलग हो रहा है? वो मुझसे अलग रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता है कि कर्म है कि संबंध है कि अधिकरण? अब कह रहा है यहां पर दो है, एक है राम और एक है गाय, तो जहां कर्ता का दूसरे से संबंध बताया जाए, तो राम की गाय, मोहन का घर, मेरा विद्यालय, गंगा का जल कहता है, तो वहां पर हमारे लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि संज्ञा शब्द से कारक विभक्ति क्या होती है? दूर होती है, इसे विशिष्ट विभक्ति कहते हैं, और सर्वनामिक शब्द से कारक विभक्ति क्या होती है? पास होती है, इसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। अब मैं जो है वो सर्वनामिक शब्द है, अगर कारक विभक्ति में कहता तो मैंने कहता, ठीक है, तो ये दोनों सटा कर लिख दिया जाएगा, तो ये हमारे लिए कर्ता सूचक हो जाएगा। उसी प्रकार मुझको कहेगा तो कर्म सूचक हो जाएगा, मुझसे कहता है तो हमारे लिए आपका करण सूचक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने, मुझको, मुझसे या मेरे द्वारा कहता है, ठीक है, तो हमारे लिए करण सूचक हो जाएगा। अब अगर कहता है मेरे लिए, तो संप्रदान सूचक हो जाएगा। अपादान में मुझसे कहता है, ठीक है, या मेरे से कहता है, तो अपादान हो जाएगा। लेकिन संबंध बोधक में मेरा, मेरे, मेरी कहता है, तब यह हमारे लिए आपका अपादान कारक हो जाएगा, तो संबंध कारक हो जाएगा। और अगर कहता है मुझ में या मुझ पर कहता है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। प्रश्न ने क्या पूछा है? वह कार मेरी है, मतलब ये क्या बता रहा है? कार से उसका संबंध है, इसलिए संबंध बोधक। तो कर्ता में मैंने, मुझको, मुझसे या मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मुझ में, और आपके संबोधन में क्या बन जाएगा? स्वयं मैं। ठीक है, तो जब ऐसी विभक्ति जब जुड़ती है तो सर्वनामिक शब्द में, तो इसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं, और संज्ञा शब्द में अगर कारक विभक्ति दूर है तो इसे विश्लिष्ट विभक्ति कहा जाएगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? अब आप कहेंगे कि परसर्ग क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि कारक विभक्ति को परसर्ग के भी नाम से पुकारा जाता है। यहां पर कह रहे उस जगह, मतलब कि क्या बता रहा है? फिर से स्थान बता रहा है, तो जहां पर स्थान, कार्य करने का स्थान, समय, यानी कि वो कार्य कहां पर किया गया है इसका बोध कराता है, तो उसे अधिकरण कारक की श्रेणी में रखेंगे। सभा होने जा रही है, ठीक है ना, तो यहां पर हमारे लिए उस जगह सभा होने जा रही करे, तो स्थान बताकर हमारे लिए अधिकरण कारक का उदाहरण बनेगा। अगला,
मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए, अधिकरण, कर्ता, कर्म या संप्रदान। तो मुख्य अतिथि के सम्मान में, ठीक है, तो मुख्य अतिथि के सम्मान में कह रहा है, तो किसके सम्मान में किया जा रहा है, किसको समर्पित किया जा रहा है, मुख्य अतिथि को समर्पित किया जा रहा है। तो यह आयोजन किसको समर्पित किया जा रहा है, मुख्य अतिथि को, तो अधिकरण होगा कि कर्ता की, कर्म की, संप्रदान, तो यहां आएगा संप्रदान कारक। ठीक है, तो मुख्य अतिथि जो है उनको सम्मान में क्या किया जा रहा है, एक आयोजन किया जा रहा है। तो आयोजन किसके लिए किया जा रहा है, मुख्य अतिथि के लिए, तो यहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक समय पर आ जाना वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण। तो यहां पर भी समय पर आ जाना कह रहे हैं, तो यहां पर देखिए बाह्य प्रभाव के लिए हम पर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहां समय बताया जा रहा है इसलिए अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल या रेखाचित्र। अब यह समास से संबंधित प्रश्न है, एक चीज क्लियर कर दूं कि कर्ता को छोड़कर कर्म से लेकर अधिकरण तक की कारक रचना जिस समासिक पद रचना को विग्रह करते मिलती है, तो कर्म से अधिकरण की कारक विभक्ति अगर मिलती है तो ये समास जो है वो हमारे लिए तत्पुरुष समास का निर्माता बन जाता है। ठीक है, और विभक्ति के अनुसार कर्म, करण, संप्रदान, अपादान संबंध, अधिकरण तत्पुरुष समास कहे जाते हैं। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास के नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ समास की शब्द दिए हैं, वाहनारूढ़ यानी कि वाहन पर आरूढ़, सत्ताधीश सत्ता का अधीश, गंगा जल गंगा का जल, रेखा चित्र रेखा का चित्र अगर हम कहते हैं, रेखा से बना हुआ चित्र कहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अधिकरण कारक में मी और पर का प्रयोग होगा। किस पर आरूढ़ है, वो वाहन पर आरूढ़ है, तो अधिकरण कारक का प्रयोग कहां होगा, वाहनारूढ़ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कर्म से लेकर अधिकरण तक की कारक रचना जब किसी समासी पद रचना को विभक्त करते समय मिलेगी तो वहां पर हमारे लिए पहचान के तौर पर तत्पुरुष समास पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, तो अधिकरण कारक में जो विभक्ति प्रयोग की जाती है वो कौन है, पर, ने, को या से। पर का प्रयोग हम इंटर आपके एक्सटर्नल एफर्ट के लिए करते हैं और मे का प्रयोग हम जो है वो इंटरनल एफर्ट के लिए करते हैं, मुझ में कोई दोष नहीं है, गंगा में नहाना, इसी प्रकार अगर हम कह सकते हैं युद्ध में स्थिर, इसी प्रकार हम कह सकते हैं जैसे कि आप पर बीती, तो किस पर बीती, आप पर बीती। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं घोड़े पर सवार। ठीक है, तो बाह्य प्रभाव के लिए हम अधिकरण कारक में पर का और आंतरिक प्रभाव के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। प्रश्न ने पूछा है अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, पर, ने जो है वो कर्ता कारक है, को जो है वो कर्म कारक है और से जो है वो आपके करण कारक में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कौन सा कारक है, करण, अधिकरण, संबंध या अपादान। तो किस में है गहने, अलमारी के अंदर है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, क्या संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है या कारक रचना संबंधी या वचन संबंधी अशुद्धि है। तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस क्लियरिफिकेशन का प्रश्न है कि हमारा समास उन्नति के पथ पर है, तो हमारा समास उन्नति के पथ पर कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए पथ में है नहीं होगा, यहाँ पर का प्रयोग होगा कि हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, यानी पर यहाँ पर गलती किसकी हो रही है, कारक रचना संबंधी अशुद्धि हो रही है। और इस तरह देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि मैं रोटी खाता हूं, मैंने रोटी खाई कर्ता सूचक होगा, इसी प्रकार कह सकता है मैं फूलों को गुथता हूं, कुत्ते को भगाओ कर्म सूचक होगा, मेरे द्वारा कविता रची गई मुझसे गलती हो गई कहते तो करण कारक होगा, मुझको भोजन की आवश्यकता है कहता है राजा के लिए, राजमहल का आवश्यकता है कहता है तुम्हारे वास्ते, मैं सारा कार्य करता हूं कहते तो संपदान होगा, मुझसे गलती हो गई मैं साइकिल से गिर गया कहते तो अपादान कारक होगा, मेरा विद्यालय मेरा भारतवर्ष कहता है तो संबंध कारक होगा, और अधिकरण कारक में अगर कहता है मुझ में कोई दोष नहीं और अगर कहता है इसी प्रकार कि देश पर मर मिटना तो यह अधिकरण कारक होगा। एक आप देखेंगे संबोधन, संबोधन में क्या होता है किसी भी व्यक्ति को पुकारने के लिए कि हे मोहन कहाँ जा रहे हो तो संबोधन कारक होगा, अगर कहते हैं अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइए
देखिएगा हमें पाइएगा। तो वहां पर संबोधन का प्रयोग जो है वो किया जाएगा, ठीक है। सुनो कहता है ना, उधर मत जाना कहता है। इसी प्रकार अरे रुको तो जरा कहता है, तो संबोधन की श्रेणी में आएगा। और इस तरह देखा जाए तो पूरे प्रश्न पत्र के माध्यम से हमने क्या जाना कि MCQ के माध्यम से हमने कारक विभक्ति को जाना है। तो आज इस MCQ यानी कि आपके लैंग्वेज मंत्रा के अंतर्गत कारक रचना से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किस लेवल तक का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, आज की लेक्चर वीडियो में मैंने आपको समझाया। और इस तरह हमने चार प्रकार के विकारी शब्द और उसको विकार उत्पन्न कराने वाले कारक में वचन, लिंग, काल को पढ़ लिया था और आज हमने कारक रचना को भी पढ़ लिया। अगर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो जब आप ये लेक्चर वीडियो देख रहे होंगे तो एक आई बटन होगा जिसको क्लिक करेंगे तो कारक रचना से संबंधित आपको एक लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक में जाएंगे तो लेक्चर वीडियो आपको कारक रचना से संबंधित मिलेगा, जहां जितने पक्ष को मैंने यहाँ MCQ के माध्यम से समझाया है उसी सारी चीजों को आप वहां बहुत अच्छे से समझ सकते। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। छोटे छोटे और लेक्चर वीडियो के माध्यम से टॉपिक को कवर करते हुए अगले सोमवार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक यूं ही मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।